welcome to your own gardening channel. Today I am here with a very beautiful flowering tree, flowering shrub, flowering plant, which is called as Jatropha intergermia, and it is native to Cuba. Scientifically it is known as Jatropha intergermia, and in higher classification it is known as nettle sporges, and commonly it is known as Jatropha spicy tree or simply Jatropha. और सूटेबल एनवायरनमेंट जो है, अगर उसमें ये ग्रो कर रहे हो तो ये 15 फीट तक ये टॉल हो सकते हैं, और इसकी हाइट और इसकी जो विड्थ है वो आप लोगों पे डिपेंड करती है कि आप इसको किस शेप में या किस साइज़ में इस ट्री को देखना चाहते हैं। और अगर आप ऐसा ट्री अपने गार्डन में चाहते हैं जो आपके लिए पूरा ईयर जो है वो ब्लूमिंग्स जो हैं वो प्रोड्यूस करे, फ्लावर्स जो हैं प्रोड्यूस करे, तो दिस इज़ द बेस्ट चॉइस फॉर यू। और इसको किस किस्म की सॉइल मिक्सेस जो हैं वो उनमें ग्रो करना लायक करता है, वो अभी इस ट्री को मैं आज रीप्लांट करने जा रहा हूँ, रिपोर्ट करने जा रहा हूँ। मैं इसको जो है टेराकोटा का जो कंटेनर है उसमें प्लांट करने जा रहा हूँ, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि किस किस्म की सॉइल मिक्स जो है ये इसको लायक करते हैं, और सनलाइट में ये फुली सनलाइट टू पार्शियल शेड में इजीली हेल्दी ग्रो कर जाते हैं। और इनके ऊपर जो पेस्ट या इंसेक्ट्स वगैरह जो अटैक करते हैं, इसके ऊपर एफर्ट्स जो हैं इनके फ्लावर्स की वजह से इसके ऊपर अटैक करते हैं, तो आप सिंपली उसके लिए नीम ऑयल जो है उसका स्प्रे करें तो वो रिमूव हो जाते हैं। और इसको बहुत ईजी है, आप इसको प्रोपोगेट कर सकते हैं सीड्स से, और इवन आप उनको स्टेम कटिंग्स जो हैं उनसे ग्रो कर सकते हैं। अभी चूँकि ये एक बेबी प्लांट है तो इसकी स्टेम कटिंग्स जो हैं वो मैं कलेक्ट नहीं करूँगा, तो इन फ्यूचर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा अपने वीडियो में कि हम किस तरह इनके जो स्टैंड हैं उनसे इनको ईजिली प्रोपोगेट कर सकते हैं और अपने गार्डन में इसको स्ट्री को स्पेस दे सकते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को इसकी विजिट करवाता हूँ, और जब हम इसको रिपोर्ट कर लेंगे तो वाटरिंग के लिए और इसके लिए जो बाकी की रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। तो अभी हम इसको रिपोर्ट करते हैं, उससे पहले मैं आप लोगों को इस ट्री की विजिट करवाता हूँ कि इसके लीव्स, इसका स्टेम और इसका फ्लावर्स जो है वो किस किस्म के होते हैं। सो लेट्स गो। जे व्यूअर्स, ये जेट्रोफा का प्लांट है, यहाँ पे आप इसके लीव्स देख सकते हैं, स्लाइटली थिकर लीव्स होते हैं इनके और थ्री हेडेड लीव्स होते हैं, और यहाँ पे इनके फ्लावर्स हैं। कुछ फ्लावर्स जो हैं वो अपना जो ब्लूम है वो कंप्लीट करने के बाद ड्रॉप हो चुके हैं, और ये फ्लावरिंग बर्ड्स जो हैं ये नई प्रोड्यूस हो रही हैं, विद इन टू डेज़ ये भी ब्लूम करना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे भी आप एक फ्लावरिंग स्टॉक जो है, फ्लावरिंग बर्ड्स जो हैं वो देख सकते हैं, और यहाँ पे ये इसका स्टेम है, स्लाइटली सॉफ्ट जो इसका स्टेम होता है, लेकिन जब ये फुली मैच्योर हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं ये ट्री, तो इनका स्टेम जो स्लाइटली हार्ड हो जाते हैं। और ये इस स्मॉलर कंटेनर जो है उसके अंदर ये डेवलप हो रहा है, और यहाँ पे इसकी बेस के पास जो है ये अफ्रीकन होस्टा जो है उसका प्लांट जो है वो डेवलप हो रहा है, और इसको मैं रिमूव कर लूँगा, इसको किसी में और कंटेनर में शिफ्ट कर दूँगा, और इस प्लांट को हम अपने बिगर कंटेनर के अंदर आज रिपोर्ट करने जा। जेट्रोफा को प्लांट करने के लिए जो सॉइल मिक्स मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसमें मेरे पास सैंडी सॉइल है, और यहाँ पे मेरे पास मिचोर्ड काउडांग है इसकी बेटर न्यूट्रिशन के लिए, और ये कंटेनर की बेस का जो होल है उसको कवर करने के लिए पेबल है, स्टोन है, और यहाँ पे मेरे पास ग्रेनाइट के स्मॉलर जो स्टोन्स हैं वो हैं इसकी बेस जो है उसको बनाने के लिए, स्टोन जो है उसको कवर करने के लिए, ताकि जो हमारा स्टोन है वो रिमूव ना हो जाए और हमारी जो बेस है वो
जो स्टेबल रहे, ताकि हमारा जो ओनली वाटर है वो ड्रेन हो, हमारी जो सॉइल मिक्स है वो ड्रेन ना हो जाए। और इस कंटेनर के अंदर जो है ये 12 इंचेस टेराकोटा पॉट है, इसके अंदर मैं इसको प्लांट करने जा रहा हूँ। और ये हमारा प्लांट है, तो अभी इस सॉइल मिक्स को जो है काउडंग को और सैंडी सॉइल जो है इसको मैं मिक्स कर लेता हूँ, और हम अपने कंटेनर को फिल करते हैं और इसमें अपने प्लांट को प्लांट करते हैं। जी व्यूअर्स, हमारा जो जेट्रोफा का प्लांट है वो रिपोर्ट हो चुका हुआ है, रीप्लांट हो चुका हुआ है। अभी मैं इसकी वाटरिंग कर दूंगा और इसको कुछ दिन के लिए पार्शल शेड में डिस्प्ले करूंगा, ताकि ये डेवलप हो जाए, थोड़ा सा मेच्योर हो जाए, और उसके बाद इसको मैं फुली सनलाइट में डिस्प्ले कर दूंगा, ताकि ये अपना फ्यूचर जो है वो डेवलप करे और हमारे लिए फ्लावर्स जो है ये प्रोड्यूस करें। आप इसकी वाटरिंग के लिए इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जब ये बेबी प्लांट्स होते हैं तो आप इनका जो सॉइल मिक्स है वो इवनली मॉइस्ट रखेंगे, और जब ये फुली मेच्योर हो जाए तो ये ड्रॉट टॉलरेंट भी है, ये अगर इनको कम पानी मिले तो ये हेल्दी सर्वाइव करते रहते हैं। अगर आप इनको फर्टिलाइजर्स जो हैं वो प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो आप कोई सी भी जो कॉमन हाउस प्लांट फर्टिलाइज़र है वो आप इनको प्रोवाइड कर सकते हैं, और सिंपली आप इसको काउडंग जो है वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं, जो इसकी जो बेटर न्यूट्रिशन के लिए जो है या इसकी हेल्थ के लिए सूटेबल है, तो आप इसको सिंपली काउडंग जो है वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। आपको जेट्रोफा के रेफरेंस से जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो कैसी लगी, इसके बारे में मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आप जेट्रोफा का प्लांट जो है इसको अपने गार्डन में स्पेस देना चाह रहे हैं, उसके रेफरेंस से, इसकी प्लांटेशन के रेफरेंस से आपको कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो रिक्वायर्ड हो तो आप मुझे कह सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।